कोई मिस तो नहीं है? फिर बोला होगा कैसा हमें टीम में नहीं डाला गया है। कल मत कहना, मैं पूछ रहा हूँ, वही तो उसी का जवाब दो। कोई नहीं है ना? चलिए वो गुड मॉर्निंग सी डब्ल्यू टी एंड आगरा। मैं अंकुर सिंह धनकर, आपका दोस्त और होस्ट, एक बार फिर से सी डब्ल्यू टी स्पोर्ट्स हंट टूर्नामेंट में आपका स्वागत करता हूं दूसरे दिन में। कल पहले दिन का सफ़र बहुत अच्छा रहा, दो मैचेस हुए, सब कुछ हुआ, ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया, जैसे कि इंटरनेशनल प्लेयर ट्रीट होते हैं होटल्स में और ग्राउंड में। ग्राउंड इतना अच्छा है, आज एक बार फिर से दोनों मैच के साथ रेडी हैं दोनों टीमें, सभी और आज फिर से दो मैच होंगे। कल दो मैच हुए थे इंडिया सी डब्ल्यू टी ए और सी डब्ल्यू टी बी के बीच, जिसमें सी डब्ल्यू टी बी ने जीता था, और दूसरा मैच सी डब्ल्यू टी सी और डी के बीच हुआ था। आज मुकाबले होंगे सी डब्ल्यू टी ए और सी के बीच में, और दूसरा मैच सी डब्ल्यू टी बी और डी के बीच। रोहित कुमार सामने देखो, आप तो इसी में हो ना, इसी टीम में हो ना? क्या नाम है? प्रयाग पांडे, प्रयागराज पांडे लिखा है ये तो। जी हाँ, ठीक है। आसाम और कौन बचा? यूपी, यूपी संदीप डी है ना? सी डब्ल्यू टी टैलेंट हंट कैंप के दूसरे दिन में, और आज सब कुछ रेडी है, टीमें आ चुकी हैं, ऑल सेट, चारों टीमें तैयार हैं, ग्राउंड रेडी है, विकेट रेडी हो चुका है। हल्की सी ओस अभी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं ओस का काम किया है, ओस हटाई है, अभी हल्का सा गीला पानी है इसलिए थोड़ा सा आधा घंटा रुकना पड़ेगा। सूरज निकल चुका है, धूप काफ़ी तेज है, और तब तक के लिए प्लेयर सभी फिटनेस के लिए तैयार हैं, अभी फिटनेस करेंगे, पहले वार्म अप होगा पहले, उसके बाद आज के दोनों मैचेस खेले जाएंगे। अभी मैं बुलाता हूं हमारे कोच हिमांशु सोनी को, उनसे बात करेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, फिटनेस करेंगे पहले, उसके बाद मैचेस होंगे, सारी जानकारी वो हमें देंगे। अब देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है लोगों की फिटनेस, प्लेयर्स रेडी, दौड़ते हुए बच्चे, ग्रीन कलर। कल ये टीम मैच जीती थी, सी डब्ल्यू टी ए ब्लू, ब्लू बॉयज, द मैन इन ब्लू, गुड लक गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल गुड, ब्रेकफास्ट अच्छा किया? और तेज दौड़ो,
आपने जो एम्पायर को दिला दिया ब्लैक वाले सुनिए तो फिर मैं वही तो बता रहा हूं व्हाइट वाले तो सर में कुछ रखे हुए ना सर चार पांच कोई नहीं सुनो सुनो तोड़ेगा रेडी तो सब कुछ तैयार है और प्लेयर्स अभी फिटनेस कर रहे हैं और मेरे साथ हैं हिमांशु सोनी जी आपका स्वागत है और ये झांसी के कोच हैं अपनी टीम के साथ आए हैं लड़कों को तैयार कर रहे हैं उनको कल इन्होंने क्रिकेट की बारीकियां सिखाई थी कल बहुत कुछ हुआ था दो मैचेस हुए थे एक टीम हारी थी एक जीती थी लेकिन दोनों ही टीमों को हार कर भी उन्होंने गलतियाँ की उससे कुछ सीखा तो आज सर आप क्या करने वाले हैं कुछ नहीं अभी तो 30-45 मिनट का फिटनेस के लिए कैंप लगाया थोड़ा फिजिकली फिट ये बच्चे थोड़ा आज मेंटेन हो जाएंगे कल ज़्यादा थक गए थे आने के बाद फिजिकल नहीं हो पाया थोड़ा तो उससे परेशानी हो रही थी पर आज अभी सुबह टाइम काफ़ी मिल गया है तो फिटनेस कराते हैं उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा बच्चों को भी रेस्ट का तो उससे ज़्यादा थोड़ा अच्छा करने को मिलेगा जी बिल्कुल क्योंकि फिटनेस जो है वो काफ़ी ज़रूरी है मैच से पहले वार्म अप जो होता है वो मैच में फिर अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं इसलिए वार्म अप कराते हैं इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह उसके बाद मैचेस तो पूरे प्रोग्राम के बारे में अगर हम आपसे जानना चाहते हैं जी फिजिकली वार्म अप अगर बॉडी को नहीं मिलता है तो खिलाड़ी रूखा रूखा सा मिलता है बिल्कुल कोई हाथ पैर नहीं चलते हैं नशे खिंचती हैं एस्क्यू जाते हैं फालतू के इसलिए पहले फिजिकल ज़रूरी है उसके बाद एक्सरसाइज बिल्कुल ज़रूरी है वरना बॉडी मेंटेन और मीडियम पेसर वगैरह हैं वार्म अप नहीं करेंगे तो उनके हाथ पैर नहीं चलेंगे इस वजह से फिजिकल वार्म अप बहुत ज़रूरी पड़ता है थैंक यू सर और मेरे साथ हैं आज के एम्पायर्स ऑफिशियल्स एम्पायर्स ये ग्राउंड विकेट देख चुके हैं अभी टॉस का टाइम कितना टाइम हो गया बताएंगे क्योंकि हल्की सी अभी पिच पर भी और घास पर भी काफ़ी ओस है सर से जानना चाहते हैं ग्राउंड की स्थिति के बारे में सर आज ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा ओस है और कई आधा पौना घंटा अभी मैच की कोई स्थिति नहीं लग रही है और इससे थोड़ा अगर मैच लेट स्टार्ट होगा तो भी अच्छा प्लेयर्स के लिए रहेगा और इस समय कोई स्थिति नहीं लग रही है मैच होने की काफ़ी ज़्यादा ओस हुआ है आज उसके बारे में जानना चाहते हैं आपसे ग्राउंड्समैन आपने क्या ग्राउंड्समैन को बोला किस तरह से उन्होंने मेहनत की के पूरी जो है ओस गायब हो चुकी है आप बाहर देख सकते हैं किस तरह से कितनी ओस पड़ी हुई है लेकिन ग्राउंड में आपने काफ़ी मेहनत करवाई है तो जानना चाहते हैं इसके बारे में ग्राउंड में मेहनत कराई है लेकिन उस मेहनत का कोई अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी धूप से सारी उम्मीदें हमारी जी बिल्कुल एक बार आप दिखाएंगे कि कितना पानी बचा है कितना नहीं बचा अभी ओस में सर ये आप देख सकते हो यहाँ पर ओस का इतना घास भी इकट्ठा हुआ है और काफी अच्छी तादाद में ओस है यहाँ पर तो ओस से सर अभी मैच में किस लिए डिले हो रहा है क्या परेशानी होने वाली है परेशानी ये कि फील्डर्स को और बॉलर्स को भी दिक्कत रहेगी इसमें पिच भी थोड़ा पिच में भी नमी है अभी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें फील्डर्स को आएगी क्योंकि उनके फिसलने का जूता थोड़ा दिक्कत करेगा और बॉलर्स को भी क्योंकि अक्सर हमने देखा है रात को जब मैचेस होते हैं तो बॉल गीला हो जाता है ड्यू के कारण जिससे बॉलर को बॉल डालने में परेशानी होती है बॉल ग्रिप करने में परेशानी होती है हाँ ग्रिप करने में परेशानी होती है और सीमर्स को कोई मदद नहीं मिलती है इस पर तो सूरज देवता से हमें थोड़ी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द निकले और जल्द से जल्द ग्राउंड सुखाए और मैच हमारा फिर से स्टार्ट हो आज के दिन का प्रोग्राम जी सूरज देवता से ही आज उम्मीद है मैच जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए जी बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू मेरी कासिम चल रहा है फिटनेस पर पूरा जोर है प्लेयर्स का कोचेस लगे हुए हैं उनके साथ और अब मेरे साथ हैं CWT के मेंबर कासिम ऑफिशियल्स हैं CWT टीम के ग्राउंड्स में पूरा जो ये कैंप है इसके बारे में सारी जो बाहरी चीज़ें हैं उनका रख रखाव करते हैं ग्राउंड्स रेडी करवाते हैं फिल्टर रेडी करवाते हैं एम्पायर्स वगैरह हर चीज़ तो सर जानना चाहते हैं आपसे कि आज के दिन के बारे में और कल के बारे में क्या कुछ अलग होने वाला है सर आज सर थोड़ी ज़्यादा ओस है और कल ये फिल्टर थक गए थे ज़्यादा और आज फिटनेस करवा रहे हैं सुबह ही सुबह फिटनेस का फ़ायदा मिलेगा सर ज़रूर क्योंकि मीडियम पेसर और जो फिल्टर हैं वो ढंग से फील्डिंग कर पाएंगे आप जल्द ही ऑफिशियल की टीम में आ गए आपकी उम्र इतनी लगती नहीं है तो आप भी खेलते हैं क्या यस सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ सर वो तो सर के संग मेंबर सर आप क्या करते हैं सर मैं बैटिंग करता हूँ बॉलिंग भी करता हूँ और राउंडर हूँ बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं कीपिंग क्यों नहीं करते कीपर बनने का शौक नहीं है बॉल नहीं पकड़ जाती है कीपिंग पर अब महेंद्र सिंह धोनी रिटायर होने वाले हैं तो अगर आप कीपिंग की जिम्मेदारी संभाल लें तो आपके कुछ चांसेस हैं आगे नहीं वो तो रिद्धिमान साथ संभालेगा जी बिल्कुल सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बन रही है हमारे साथ ग्राउंड पर
और देखते रहिए अभी प्लेयर्स की फिटनेस चल रही है, आगे की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इनकी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब एक्सरसाइज के लिए रेडी हो रहे हैं। मेरे साथ हैं CWT ए टीम के कप्तान शशांक। कल ये टीम मैच हार गई थी, इनसे जानना चाहते हैं अभी क्या कर रहे हैं आप लोग और क्या करने वाले हैं। नया दिन है, नए स्टडी के साथ आए हैं, नई सोच लेके आए हैं, टीम में कुछ बदलाव भी किए हैं और बॉलर की जो कमी लास्ट में खड़ी थी। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। CWT का आपको कैसे पता लगा, कैसे इसमें आए, कैसे टैलेंट का आपने कैंप किया, कैसे सिलेक्ट हुए, एक बार हम जानना चाहते हैं आपसे। ऑनलाइन मैंने रजिस्ट्रेशन देखा था और मेरे दो चार फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था कि एक बार ट्राई करो जाके, हाँ तुम अच्छा खेलते हो, तो फिर मैंने इसके लिए ट्राई किया था। जी बहुत खूब, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे यहाँ से परफॉर्म करेंगे, आगे ऑक्शन में आपका नाम आएगा, आप फिर सीढ़ी दर सीढ़ी आपको मौके मिलते रहेंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस देते रहिए। थैंक यू। आपके फेवरेट प्लेयर? वन एंड ओनली सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आइला, मेरे को भी सचिन बहुत पसंद है। सबको पसंद है, वो सब पूरी दुनिया के फेवरेट है, मैं तब भी इकलौता प्लेयर हूँ, यहाँ जितने प्लेयर हूँ सब मैक्सिमम सभी के फेवरेट होंगे। ओके थैंक्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी टीम को एक्सरसाइज के लिए, देख सकते हैं आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे कोचेज, सर्कल बना चुके हैं, एक्सरसाइजेस करेंगे अभी सब।